रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कॉमेक्स का है, डोर फोन सिस्टम है, ये कोरियन मेड है। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन का तरीकाकार बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनकी अनबॉक्सिंग। सबसे पहले हम बॉक्स को ओपन करेंगे तो हमारे पास दो आ रहे हैं, ये एक क्रैडल है, एक मास्टर क्रैडल है और एक सब क्रैडल है। कॉमेक्स के दो क्रेडल हैं और एक जो है ना हमारा डोर सिस्टम है। तो इसका मॉडल जो है ना DR2001D है। तो ये देखें, ये इसका बटन है, जब हम इसको पुश करेंगे तो क्रेडल पे बेल आएगी। इस क्रेडल पे इसके थ्री हम उठा के तो वॉइस हाँ या ना का जवाब देंगे, ठीक है। और अगर हम सोचते हैं कि डोर ओपन हो जाना चाहिए तो हम ये क्लिक कर देंगे बटन, ठीक है, लॉक का। ये डोर लॉक का बटन है, इसको हम क्लिक करेंगे तो डोर लॉक ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इनका अगर बैक साइड से हम देखें तो इसका भी बैक। ये हमारा कॉमेक्स एम है, मास्टर है। इसके साथ पावर सोर्स नहीं है। और ये हमारा सब यूनिट है, DP LA01S सब यूनिट है। आउटपुट पावर 4.5 वाट, ठीक है। तो ये इसके ऊपर डायग्राम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इसके ऊपर 5 पिन्स हैं, एस वाले के ऊपर 5 पिन्स हैं, ठीक है। और जो मास्टर पीस है इसके ऊपर हमारी 6 पिन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 पिन्स हैं, ठीक है। ये सिंपल, ये वाली जो स्पेक्ट्रम है ये हम एज इट इज़ इसके अंदर लगा देंगे। इस तरफ ये एक स्पेक्ट्रम है 5 की 5, और ये हमारी एक बच जाएगी 6 वाली। ये जो 6-1 और 5-1 है, इन दोनों पे हम तार लगा के तो ये सेंटर वाला जो पीस है इसके इधर और इधर देंगे। पोलैरिटी का कोई इशू नहीं है, आप राइट लेफ्ट कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लग जाएगा। अब हमारा रह गया ये 12 वोल्ट का चार्जर, हम इधर से लोकल परचेज करेंगे डोर लॉक सिस्टम के लिए। तो ये 12 वोल्ट का जो चार्जर है इसको हम लगाएंगे इधर, और ये वाली दो जो पावर, ये वाले जो दो पॉइंट्स हैं 1 और 2 क्रैडल नंबर मास्टर पीस के, 1 2 जो इसका सब सिस्टम है उसके 1 और 2 पे लगा देंगे। और यही दो वायर इधर से ही लेके हम आगे लॉक डोर लॉक को दे देंगे, ठीक है। और डोर लॉक की एक वायर इधर से डोर लॉक के एक साइड पे चली जाएगी और दूसरी साइड पे हम ये लगा के एक वायर चार्जर की और डोर लॉक की दूसरी साइड जो है ना हम इसके चार्जर के दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। मसलन हम दोबारा से आपको बताते हैं कि ये जो है हमने ये जो दो पॉइंट हैं ये एज इट इज़ ये सब पीस के साथ दो पॉइंट कनेक्ट कर दिए, ठीक है। और इसके एक पॉइंट से हमने ये चार्जर की वायर एक लगा दी और चार्जर की जो दूसरी वायर है वो हम डोर लॉक को लगाएंगे और डोर लॉक की जो दूसरी वायर है वो इधर इस पीस पे लग जाएगी, स्लेव पीस पे, ठीक है। सो बस यही कनेक्शन है। इसकी फर्दर डायग्राम मैं अपलोड कर देता हूँ, उससे आपको बिल्कुल एक्यूरेट समझ आ जाएगा। हम 12 वोल्ट का डोर लॉक ओपन करने के लिए कोई भी 12 वोल्ट का चार्जर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 10 एम्पेयर का है, 5 एम्पेयर 3 एम्पेयर तक यूज़ कर सकते हैं।
हैवी ड्यूटी चार्जर होना चाहिए क्योंकि ये 24 घंटे ऑन रहना होता है, इसके ज़रिए ही डोर लॉक ओपन हुआ करेगा।